आगजनी के मामलों और प्रदूषण के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी हरियाणा के सीनियर वाई प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा ने गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ सालों में अब तक हरियाणा में प्रदूषण और आगजनी के मामले 3 गुना तक बढ़ गए हैं, जिसका मुख्य कारण किसानों का पराली जलाना है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि किसान इस प्रकरण में दोषी नहीं, बल्कि हरियाणा सरकार की नाकामी है कि अब तक सरकार उन तक किसानों तक बेलर मशीनें भी नहीं पहुंचा पाई हैं। इस दौरान ढांडा के बायो डिकम्पोजर की उपलब्धता में भी धांधली के आरोप लगाए हैं। 62 फायर इंसिडेंट अभी तक आज की डेट तक 2021 में थे, 80 फायर इंसिडेंट 2022 में थे और 2023 में 277 फायर इंसिडेंट अभी तक सैटेलाइट के जरिए देखे जा चुके हैं। ये क्यों हो रहा है, इस बार ये फायर इंसिडेंट क्यों बढ़ रहे हैं? क्या हरियाणा सरकार जानबूझकर हरियाणा के लोगों को, दिल्ली के लोगों को इस प्रदूषण की आग में झोंकना चाहती है? मेरा सीधा सवाल खट्टर साहब से है, और इसलिए है क्योंकि दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनके आधार पर पराली के जलने को कम किया जा सकता है। हमारा साफ तौर पर ये मानना है कि किसान इस पूरे मामले में कभी भी एक्यूज्ड नहीं हो सकते, किसान इसमें विक्टिम है पूरे के पूरे मामले में, क्योंकि ना उनके पास नॉलेज कभी उनके साथ शेयर की गई, ना उनको मशीनरी उपलब्ध कराई गई, ना उनको वो संसाधन उपलब्ध कराए गए या वो स्कीम्स दी गई जिसके जरिए वो पराली का सही तरीके से समाधान कर सकें। आज जब हम इस मुद्दे पर बोल भी रहे हैं तो सरकार के पास सिर्फ एक ही साधन होता है, पुलिस को भेजें, उनके ऊपर FIR दर्ज करा दें। किसानों के ऊपर लाखों रुपए के फाइन किसानों के ऊपर किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार ने क्या किया? दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, एक बेलर मशीन जिसके जरिए कि गट्ठे बनाए जाते हैं पराली के, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध कराना, और दूसरा बायोडिकम्पोजर जो एक सहमति सी तीनों स्टेट्स के बीच में एक इस तरीके की बनी थी कि ये दो चीज़ें, इनकी रूपरेखा ऐसी होनी चाहिए। जो एक कमेटी बनी थी उसमें ये तय हुआ था कि ये दो ज़रूर कदम उठाने, लेकिन हरियाणा के अंदर बेलर मशीन के लिए 5 लाख रुपए की सब्सिडी उपलब्ध हरियाणा सरकार द्वारा कराई जाती है। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि 1500 करोड़ रुपए के आसपास का ये पूरा सब्सिडी दिया जा रहा है, लेकिन जब ग्राउंड पे जाके इसको चेक किया गया तो इसमें 50% से ज़्यादा का स्कैम है, मशीनें उपलब्ध ही नहीं है ग्राउंड के ऊपर। वहीं अनुराग ढांडा ने हरियाणा सरकार पर धांधली का बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि हरियाणा में किसानों को बेलर मशीन लेने के लिए 5 लाख तक सब्सिडी मिलती है और 1500 करोड़ रुपए की सब्सिडी में 50% से अधिक की धांधली हो रही है। उन्होंने हरियाणा सरकार को एक और चैलेंज देते हुए कहा कि सरकार तो 80,000 बेलर मशीन किसानों के पास होने का दावा करती है, लेकिन सरकार के मंत्री या कोई भी अधिकारी हमारे साथ चले तो वास्तव में कुल 20,000 बेलर मशीन भी नहीं है। 80,000 मशीनें होने का दावा हरियाणा सरकार करती है, मेरा चैलेंज है कोई भी हरियाणा के मंत्री अधिकारी साथ जाके हमारे साथ देख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी अगर जाएंगे 20,000 बेलर मशीनें भी इस वक्त ग्राउंड पे उपलब्ध नहीं है, जिनके जरिए किसी भी तरीके से समाधान नहीं हो सकता पराली का। जो स्टेट की मीटिंग हुई उसमें ये कहा गया कि बायोडिकम्पोजर बड़े पैमाने पर किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन आज जब फार्म फायर इंसिडेंट 3-4 गुना बढ़ चुके हैं हरियाणा के अंदर, आज की स्थिति ये है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं वहाँ पर भी अभी तक बायोडिकम्पोजर का एक पैकेट भी हरियाणा में कहीं पर नहीं पहुँचा है। ये बायोडिकम्पोजर जब पहुँचेगा डिस्ट्रिक्ट सेंटर तक, उसके बाद किसानों को वितरित किया जाएगा, और ऐसा नहीं है कि किसानों को वितरित किया और वो तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके घोल को प्रिपेयर करके उसको 7 दिन 10 दिन रखना होता है। यानी जब ये बायोडिकम्पोजर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस पहुँचेगा उसके 15 दिन के बाद इसको इस्तेमाल किया जा सकता है खेत में, 10 से 15 दिन के बाद। तो अगर अभी तक नहीं पहुंचा ये बायोडिकम्पोजर, ये अटर फेलियर, सबसे बड़ा फेलियर खट्टर सरकार का मैं इसको मानता हूं कि अब जब पराली जलनी शुरू हो गई, किसान के पास कोई रास्ता ही नहीं बचा, किसानों के पास सरकार ने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। वहीं अनुराग ढांडा ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण से लड़ने के लिए लगातार प्रयासरत है, लेकिन हरियाणा सरकार इससे लड़ने की बजाय सिर्फ झूठे आंकड़े दिखाकर अपना गुणगान कर रही है। अब देखना यह होगा कि क्या मुख्यमंत्री अनुराग ढांडा का चैलेंज स्वीकार कर किसानों की असली स्थिति देखने फील्ड में जाएंगे या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।